मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये मेरी शादी का फोटो है जी। हैप्पी बर्थडे। मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये देखो बड़ी खुश हो रही है, इसका ना आज मोबाइल पे ग्लास लग चुका है। ओ भाई ये क्या है, ओ करवा चौथ के लिए कितना है गिनना पड़ेगा। करवा चौथ आने वाला है तो हमारी तैयारी अभी से चालू हो जाएगी। और पूर्वी ने नया ग्लास लगाया है और कवर लगाया है और ऊपर साइज हो रहा है, वो उसको उठा उठा के दिखा रही है पर वो उठी तो नहीं। आज तो पप्पा बड़े मेहरबान हो रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये लोग आ चुके हैं चलो। और मुझे भी कुछ मिला है तो करवा चौथ की शॉपिंग मैं स्टार्ट करूंगी। अब कुछ खा के नहीं आए तुम लोग, क्यों खा के भी आने का था ना। और शाम हो चुकी है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय और ये लोग अभी आए हैं। पूर्वी का एक्स्ट्रा क्लास रहता है आज के दिन तो करके अभी ये लोग को बच गए हैं 5, तो चलो बना लेती हूँ चाय। आ जाओ चाय पीने। की करवा चौथ आने वाला है तो मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आई हूँ यहाँ पर मेरे लिए चूड़ा लेने। तो ये भैया के पास काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है और मैंने यहाँ पे साड़ी फॉल फिटिंग के लिए दी थी जो मैं करवा चौथ पर पहनने वाली हूँ, तो वो मैं लेने आई हूँ। और ये दीदी मेरा ब्लाउज बनाते हैं, साड़ी ड्रेस सब सिलते हैं। नाम क्या है? निर्मला। निर्मला इनके पास जरूर आना। और ये मेरे बाजू वाले, हम दोनों गाड़ी पे आए हैं अभी, तो चल रही है मेरी शॉपिंग। अभी मैंने ये कोन वगैरह मेहंदी के लिए है और मैं लगाऊंगी अभी जाके मेहंदी, तो चलो चलते हैं घर पे। और हम लोग ना बहुत बारिश में आए, बारिश हो रही है बहुत, तो देखते हैं चलो भीग भीग के जाते हैं। नीतू ने तो रेनकोट पहना है, मैंने छतरी ली है, चलो चलते हैं घर पे। अभी बज रहे हैं रात के 12 और हमारा यहाँ पर मेहंदी चालू है, मैं लगा रही हूँ मेहंदी और पूर्वी यहाँ पर और नीतू मुझे मेहंदी लगा रही है। इस बार हमेशा पूर्वी लगाती है पर पूर्वी के एग्जाम चालू। चलो मेहंदी कैसी लगती है मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में, रात के 12 बज रहे हैं पता है। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है करवा चौथ का दिन और मेरी मेहंदी वगैरह लगा के सब कुछ हो चुका है। और आज एक स्पेशल चीज और है, पता है क्या? आज है हमारे साहिल का बर्थडे, तो साहिल अभी उठा है, यहाँ पर लेटा है, वो अभी जाएगा फ्रेश होने के लिए। तो सबसे पहले मेरी सभी बहनों को, मेरे सभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को हैप्पी करवा चौथ। तो सदा सुहागन रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती भव रहो। और मुझे तो इतना तो आशीर्वाद देना आता नहीं है, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, तो ठीक है दिल से मैं प्रे करूँगी सभी के लिए, सभी का सुहाग बना रहे, सब मेरी बहनें खुश रहें। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, तैयारी चालू है मेरी। तो सबसे पहले मैं साहिल के लिए बना रही हूँ मलाई, तो आधा घंटे से गैस पे दूध पक रहा है, उसको खाना है मलाई 2-3 दिन से, तो मैंने बोला चल बर्थडे पे बना के देती हूँ। तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, इलायची पाउडर चीनी वगैरह सब डाल दिए मैंने, इतनी मलाई बनी है अभी। तो ये आधा घंटे से पक रहा है और अभी मैं उतारूंगी थोड़ी देर में। मुझे सजाना है छलनी लोटा थाली, तो सामान सब निकाल के रखा है मैंने, ये प्लेन छलनी यहाँ पर रखी है, तो चलो करते हैं इसको डेकोरेट। तो मेरे पास घर में जो भी सामान अवेलेबल था, जो भी छोटी मोटी लेस कांच, और कुछ मैंने मेरे पुराने छलनी में से कांच निकाले हैं, तो ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों से मैं डेकोरेट करने वाली हूँ आज, चलो देखते हैं। तो चलो ठीक है बैठ गई हूँ मैं सारा सामान लेके, यहाँ पर देखो छलनी है और ये मेरी शादी का फोटो है जिसको आज मैं लगाने वाली हूँ। और ये मैंने एक ऐसा कपड़ा लिया है, ये मेरी पुरानी थाली है जिसके मैंने कांच निकाल लिए हैं। और ये घर में ये लेस पड़ी हुई है सब, तो देखती हूँ मैं कैसे करूँगी। और ये है ना गणपति का, मेरा टूट गया है, इसमें गणपति पप्पा बैठे थे, ये टूट गया है, पप्पा गिर रहे थे बार बार, तो मैंने पप्पा को मंदिर में रख दिया है और इसका मैं यूज़ करूँगी आज।
और ये जो कपड़ा है गोल्डन, देखो ये हम लोग को ना लास्ट दिवाली पे मिठाई का डब्बा आया था बड़ा सा, तो इसमें सब पैक था, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई वगैरह सब। और ये एक लेस है मेरे पास, अभी तक मैंने कुछ भी तय नहीं किया है, तो अभी मैं जैसे जैसे होते जाएगा मैं दिखाती जाऊंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं करवा चौथ। तो हम लोग ने घर में सभी लोग ने उपवास रखा हुआ है, और सरिता का तो उपवास रहता ही है, तो मैंने भी रखा है। और किसने रखा है? पूर्वी ने गणेश चतुर्थी का रखा है। साहिल का बर्थडे है, तो देखो साहिल के बर्थडे के दिन आज हम लोग उपवास रह रहे हैं, बट शाम को पता नहीं कब होएगा इसका बर्थडे, केक कटेगा कि नहीं, केक आ जाएगा बट कटेगा कि नहीं पता नहीं। काटेंगे ना, देखो ये क्या कर रही है, डेकोरेशन कर रही हूँ। ये मेरा फोन लेके चले गए, एक तो पहले रिकॉर्डिंग नहीं हुई और अभी ये फोन लेके गए, तो अभी चालू हुआ। देखो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ ये लेस लगा दूँ, तो फेविकोल हो चुका है खत्म। तो ये बहुत ही पहले का फोटो है हमारा शादी के बाद के। तो आज जो भी हमारी जितनी भी माता बहनें सभी का आज करवा चौथ है, तो हमारी दोनों की तरफ से सभी को ब्लेसिंग्स और सबका सुहाग बना रहे, ऐसे सरिता और मैं कामना करते हैं। हाँ सरिता, तो सब सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो, और आ जाओ सब यहाँ पर मिलके कथा। तो मैं भी यही आशीर्वाद दूंगा, सदा सुहागन रहो सरिता। तो मैं जा रहा हूँ बॉम्बे और सरिता करी तैयारी शाम की, तो कभी तक आओगे? शाम तक जल्दी आना, ठीक है। हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे साहिल का बर्थडे है, उसको ब्लेसिंग देना बहुत सारी। वो अपने पापा के साथ में जा रहा है बॉम्बे कपड़े लेने के लिए, तो इन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती, आज हाफ डे लेके लोग जा रहे हैं। आज सभी ने छुट्टी की है आधे आधे दिन की, तो ये लोग निकल रहे हैं, तो शाम को होगा कुछ नया कार्यक्रम, बने रहना वीडियो में। दोपहर को थोड़ा सा सोई और उठ के खाना बनाया, और सब कुछ रेडी है, बस मुझे रेडी होना है, तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। शाम के बज चुके हैं 6:30 और ये लोग भी बॉम्बे से आ चुके हैं, साहिल और उसके पापा। तो चलो मैं होके आती हूँ रेडी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, कुछ इस तरह से मैंने घर में ही खुद को रेडी किया है, मैं खुद से ही तैयार हुई हूँ। और मेरी ये साड़ी पे लिखा है सदा सौभाग्यवती भव, और यहाँ पर ब्लाउज पे भी हाथ पे लिखा है। तो ये साड़ी मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगाई है, और पूरी रेड में है ये साड़ी, ऐसी रेड बांधनी प्लस बॉर्डर। मुझे प्लेन में मिल रही थी साड़ियाँ प्लेन रेड, लेकिन मुझे उनका कपड़ा नहीं पसंद आ रहा था। इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और लुक भी है, इसमें एक बांधनी लुक है जैसे कि, और यहाँ पर बॉर्डर पे लिखा है
सदा सौभाग्यवती भव। तो बाहर बहुत रोशनी आ रही थी इसलिए मैं अंदर आई हूँ बेडरूम में बात करने के लिए। मैंने ये साड़ी को 10 दिन हो गए ऑर्डर करके, ये साड़ी आज आई है पता है, और मुझे लगा अब साड़ी आएगी करवा चौथ के बाद में, तो मैंने करवा चौथ के लिए ही ऑर्डर की थी लेकिन साड़ी आ रही नहीं थी। तो मैं कल ही जाके मार्केट से साड़ी लाई और आज ये साड़ी आ गई, तो मैंने उसको कैंसिल करके ये साड़ी पहनी है। तो ये है वो साड़ी देखो, इसलिए रानी कलर की साड़ी पूरी भरी हुई देखो, तो मुझे बहुत पसंद आई थी ये, मैं आज पहनने वाली थी, ये वाली पहन ली है उसको कैंसिल करके, अब मैं उसको देखूंगी कब पहनूं। और मैंने ये रानी कलर की साड़ी के साथ की बैंगल्स वगैरह सब ले ली थी, लेकिन अभी मुझे हाल फिलहाल ये पसंद आ गई क्योंकि ये मैंने करवा चौथ के लिए ही ऑर्डर की थी, तो मैंने इसी को पहन लिया है। और मैं सजा रही हूँ, अभी पाठ हो चुका है शाम के पूजा का टाइम, और ये भी यहाँ पर बाहर हॉल में रेडी बैठे हैं, तो मैं अभी पाठ सजा रही हूँ और गजरे लगाए। कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये नेकलेस और ये मांगटीका इयर रिंग्स पहने हैं। तो चलो मैं पार्ट सजा लेती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो पार्ट मैंने सजा लिया है और पार्ट सजाने के बाद मैं, पूर्वी ने नेल्स एक्सटेंशन किए हैं, देखिए एक्सटेंशंस लगाए हैं ये मैंने, ये भी मैंने पिंक कलर के रेडी करके रखे थे साड़ी के हिसाब से, बट अभी रेड नहीं है मेरे पास तो मैंने ये ही लगा लिए। तो मेरी पूर्वी बहुत अच्छा नेल आर्ट करती है ये देखो। तो चलो मेरी तैयारी सब हो गई है, अभी मुझे पढ़ना है पाठ, तो मैं अभी पाठ पढ़ने बैठने वाली हूँ। फ्रेंड्स पूजा वगैरह मेरी अभी करके हुई है और घड़ी में बज चुके हैं 9:30। मुझे नहीं पता है आज की चांद कितने बजे निकलेगा, तो अभी पूछ रहे हैं हम लोग फ़ोन पर कि चांद निकला कि नहीं, मेरे खिड़की से तो चांद नहीं दिख रहा है। तो हम लोग को बहुत मुश्किल से चांद मिला है क्योंकि पूरा क्लाउडी है और हार्डली मुझे लग रहा है 1 या 1.5 मिनट के लिए चांद निकला था,
और अब उन्हें चांद देख के इन्होंने एकदम अच्छे से, जब चांद निकला था तब मैंने पूजा कर ली है, तो एनीवेज अच्छा हो गया। पूजा पाठ खाना वाना सब हो चुका है, अभी है केक कटिंग का टाइम। तो बेचारे साहिल की तरफ आज ध्यान ही नहीं दिया मैंने करवा चौथ के। कोई बात नहीं। और मेरा मेकअप पूरा खराब हो चुका है, मैं मोंजुली का लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मोंजुली का जैसे। तो साहिल आज पूरे 17 इयर्स का हो गया है, तो 17 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं उसको, 17 साल का वो हो गया है, 17 मतलब खतरा हुआ छोक राज्य वारे। तो लंबा हो गया है बच्चा, मेरे लिए तो हमेशा बच्चा रहेगा, अब होशियार हो गया है वैसे लड़का। तो चलो बहुत गर्म हो रहा है, फटाफट केक कटिंग करके ना मैं करने वाली हूँ चेंज, और अभी हम सब यहाँ पर हैं, हम केक कट कर रहे हैं, आ जाओ। मान बाबा तुम क्या भेजो सदा सुशील हो सुबह से सदा सुहागन आशीर्वाद दे दे के साहिल को भी बोल रहे सदा सुहागन। हे भगवान, करवा चौथ के दिन साहिल का उपवास आया, उपवास नहीं बर्थडे आया है। सभी सभी औरतों ने, पूरी दुनिया की औरतों ने मेरे बेटे के लिए फास्ट रखा है। तो यहाँ पर चालू अभी सेलिब्रेशन, हम मजाक मस्ती हमारी चलती रहती है। तो रात काफी हो गई है, रात के बज गए हैं 11, और पूजा पाठ वगैरह खाना वाना हो गया है, केक कटिंग हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। चलो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर फोटो सेशन। बाय दर्शु पुरी, बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी बर्थडे साहिल, हैप्पी बर्थडे साहिल, बाय। तो सारा दिन बीत गया, तो चलो ठीक है, बाय बाय।